मैंने कहा कि मेरे गीत में कोई सवाल और जवाब नहीं है, लेकिन बहुत छोटी सी बात है। वो बात क्या थी? कि सकल समय से ना देखी सकल कोई बात नहीं थी। एक बात मैंने और कहा बाल सिंगा कहीं बाल से बवाल इसमें भी कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि माँ सीता के अगर वो लाल नहीं होते यानी कि वो बाल बवाल बन गए। वो बवाल नहीं बने, वो तो बहुत अच्छे सवाल बने, क्योंकि एक झूठ हुई मम्मी को और पापा से मिला, पापा से मिला दिया, वो बवाल नहीं बने। खैर कोई बात नहीं। देखिए कहा भाई ने दिन है एतवार के दिन है एतबार के तेरे मेरे प्यार के आजा सैया ए दिल के आजा सैया ए दिल के इंतजार के आजा सैया ए दिल के इंतजार के। जब कह दिया देखिए प्रयास कर रहा हूं जवाब देने का। शंकर की बरात आई चार रसगुल्ला तब सुमरन करते दीनानाथ का सुमरन करते दीनानाथ का अपने दीनानाथ का पंगत में कैसा परसा देखो 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 पछता। हेलो और ये छुरिया
छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए तेरी मतवाली छाए, छुरियां चल जाए तेरी मतवाली छाए, छुरियां चल जाए तेरी मतवाली चाल में। कहा भाई ने देखे, कोशिश फिर कर रहा हूं लेकिन छोटे से जवाब की। सोने का जब हिरन वो देखा, कह रहे थे के हो गए 9-11 और उधर मुंह पे बज गए 12। ऐसे ही मामाई गए, चलो मैं और मामाई का भंडारा हो रहा है, उन तीनों भाइयों से 50-50 रुपए का आशीर्वाद हुआ है। शशि चंद्र मठ, सत्येंद्र सिंह, ब्रजेश कुमार और हाजी पुरनेरा, तीनों भाई 50-50 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं उनसे आशीर्वाद की कामना करूंगा और ये 21 रुपए का पुरस्कार हुआ है राम से शास्त्री दायमपुर बालों की तरफ से, उनसे भी आशीर्वाद की कामना है। कहा लेकिन जब लौट के आए तो कह रहे कि मेरी पत्नी छीन ली, जब लौट कर के आए देखा कुटिया में प्रभु ने, देखा कुटिया में प्रभु ने लगन के बजरे मोह पे बारा, तुझको नहीं पुकारा पुकारा लखन को देख प्रभु ने, लखन को देख प्रभु ने लीनिया की मीने, लखन को देख प्रभु ने दादी गए भी।
बताइए। कि तू 16 बरस की मेरा समय हकीकत बता रहा, मुझे पता ही नहीं चलता और बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए जल्दी में कह रहा हूं। फिर कह रहा हूं, कोई सवाल और जवाब वाली बात नहीं है, लेकिन एक गीत की बात है। वो कहते थे कि सभी जितने बैठे सभी ध्यान देंगे कि लड़की सतयुग, लड़की सतयुग की, लड़का द्वापर का। दसों का भैया जी की तरफ से आशीर्वाद। लड़की सतयुग की और लड़का द्वापर का, कहते को पीछे पड़ी है क्या? लड़का है छोटो, लड़का है छोटो पर जे लड़की बड़ी है। लड़का है छोटो पर ये लड़की बड़ी है, है। बात रही सतयुग वाली तो देखे, सतयुगों में पली है रे वत की लली है, अरे देखिए 100 रुपए का पुरस्कार आया है कैसे सिंह, जो ये चैनल चल रहा है KS चैनल फरीदाबाद, जो इसकी मालकिन है वो 100 रुपए का आशीर्वाद दे रही है, और मैं माँ भाई से आशीर्वाद ही कामना करूंगा कि उनका चैनल और भी बढ़ता चला जाए, इसलिए कहा। ये लड़की बड़ी है, अरे 50 रुपए का पुरस्कार हमारे राजू गुरु पेट वाले कोटला, राजू गुरु पेट वाले और कोटला वालों की तरफ से ये 50 रुपए का आशीर्वाद हुआ है। मैं मामा से आशीर्वाद चाहूंगा कि ऐसे वो बढ़ते रहे, लेकिन कहा देखिए आगे। सत युगों में पली है रे वत की लली है, बात खुले आम है रेवती नाम है क्या? द्वापर
सुना है स्वयंवर। आप सभी ने देखा होगा कि कहा कथा में कि बलराम छोटे हैं और रेवती बड़ी है, बहुत सुंदर। इसलिए पति बलराम है देवर घन श्याम है, तब और शादी में डिफरेंस बहुत है, दोनों युग का अंतर है। क्यों के लड़की सतयुग की, लड़का द्वापुर का, ये कैसी गड़बड़ी है। शादी करने को अपनी जिद पे अड़ी है, लड़का है छोटा पर चले, सुनो दूसरी बात। सतयुग की बेटी अरे 20 रुपए का पुरस्कार हुआ है हमारी मामाई की तरफ से, हमें आशीर्वाद चाहूंगा, चाची जी की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा, माँ है मेरी तो चाची है तो माँ है, सही है। आया है श्री जगन्नाथ ककरैया वालों की तरफ से आशीर्वाद कामना चाहूंगा। देखिए दूसरी बात, सतयुग की बेटी मुकादर की हेटी, झेले कष्ट तमाम है, जाबती नाम है। क्या जोड़ी मिला दी भाई द्वापुर में शादी, बनी वो बाम है, पति घन श्याम है। वो भी सतयुग की बेटी है और द्वापर में शादी हो रही, लेकिन हुआ क्या, लड़की लड़का की, लड़की लड़का की सूरत में बहुत निरंतर है। जो और शादी में डिफरेंस बहुत है, वो कैसा कि लड़की सतयुग की, लड़का द्वापुर, इंतजार में खड़ी है शादी के लिए, अपने पापा से लड़ी है। क्यों लड़का है छोटो पर चले, लड़का है छोटा पर ये लड़की बड़ी है, लड़का है छोटा पर ये लड़की बड़ी है, लड़का है छोटा पर ये लड़की बड़ी है। अरे 1,000 रुपए का पुरस्कार तहसीलदार हाजीपुरा वालों की तरफ से आया, आशीर्वाद कामना चाहूंगा।
समय को देखते हुए लास्ट बंद कह रहा हूं। सतयुग में मारा पति का प्यारा बोरो में बाम है, पति मेरा काम है। अरे 50 रुपए का पुरस्कार आया है अनिल अनिल नगरिया वालों की तरफ से आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। कहा द्वापुर में टोली पति से यो बोली से बोली मुझे लो थाम है, रति मेरा नाम है। अरे अपने पद को गोद लो, गाना बजाना वैसे हर किसी के बस की बात नहीं है, यहाँ मकान रखाना तो सब जानते हैं, लेकिन गाने बजाने की बात बहुत अलग हुआ करती है। अरे अपने पद को गोद खिलाऊं और करूं मैं नकी रहे, लड़की सतयुग की लड़का द्वापुर का है। एक बात कहूंगा कि अगर एक एक बात आपको पसंद आ जाए और सुनने को मिल जाए तो केवल आशीर्वाद तालियों का चाहूंगा। लड़की सतयुग की लड़का द्वापुर का, अरे आशीर्वाद पुराना ये तो और कैसे बिकट घड़ी है। लड़का है छोटा पर एक बार बोलिए प्रेम से। अरे रे में झिम बरसे का सावन होगा, सावन होगा तो झिल मिल सितारों का आनंद होगा।
और ये 50 रुपए का आशीर्वाद राजेश यादव की तरफ से आशीर्वाद की कामना है, और ये 11 रुपए का आशीर्वाद हमारे बड़े भैया की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा। एक बार जब पार्वती की शादी हुई तो वो अपने पियर गई भोले बाबा के साथ। जब लौट करके फिर आई तो उनकी संग की सहेली पूछने लगी। क्या पूछने लगी भैया? संग की सहेली पूछने लगी कि बहन तू अपने पति से खुश है, अपने परिवार से खुश है? सभी राजू को भी पूछने लगी तो अब पार्वती कहने लगी, सुरेंद्र भैया जी कोई जवाब और सवाल नहीं करूंगा आज, केवल एक छोटी सी बात ही कहता रहूंगा। तो पार्वती कहने लगी उन सखियों से, कह सुनो सहेली, कैसे कहा पार्वती ने, पार्वती कहने लगी के हरदम बैठी ये हरदम अरे 50 रुपए का पुरस्कार सांवरिया म्यूजिकल ग्रुप एंड जागरण पार्टी पछगांव फिरोजाबाद की तरफ से आशीर्वाद चाहूंगा। मामा जी से कहूंगा कि उनका जागरण आगे को बढ़ता रहे। तो कहा के हरदम बैठी जिसके सर पे और साली हो, कहा पार्वती ने सखियों से, हरदम बैठी जिसके सर पे और साली हो तो खुश कैसे उसकी घरवाली, अब तुम ही बताओ, कहा पार्वती ने सखियो, अब तुम ही बताओ कैसे घर खुश खाली हो, हरदम बैठी जिसके सर पे साली हो तो खुश कैसे उसकी का पुरस्कार विकास मेहरा की तरफ से आशीर्वाद की कामना है। और कहा और कहने लगी पार्वती सुनो सखियों, अरे मेरी सखियों सहेलियों सुनो, मेरा पति कैसा है, मेरा स्वामी पहला रोज सुलभा लगाता है, सुलभा लगा के फिर वो फतूरा चलाता है, सुलभा लगा के फिर वो फतूरा चलाता है, सुलभा लगा के फिर वो फतूरा चलाता है।
और ये 50 रुपए का पुरस्कार बाकेलाल नागू नागू बालक तरफ से आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। देखिए कहा पार्वती सहेलियों को कहने लगी, सुन सहेली मेरा स्वामी पहला राज सुलोफा लगाता है, सुलोफा लगा के फिर वो धतूरा चलाता है। और सुन सहेली धतूरा चबा के फिर वो भांग को खाता है, भांग को खा के फिर वो समाधि लगाता है, भांग को खा के फिर वो समाधि लगाता है, भांग को खा के फिर वो समाधि लगाता है। कैसा है मेरा पति लेकिन सुन, तन जिसका नंगा बहुत सुंदर, तन जिसका नंगा झोली खाली होगी, जब कुछ नहीं है जब कुछ नहीं है कैसे आराम हो, तू हाल चाल पूछ रही है, जब कुछ नहीं है तो क्या होगा, क्या होगा, तनोज सटा नंगा झोली खाली होगी तो खुश कैसे उसकी लेकिन एक बात और कहने लगी पार्वती सुन, कहा किसी ने है तूने प्यार की, तूने प्यार की प्यार की बीन बजाई मैं थोड़ी चली आई, मैं भागी चली आई, प्यार जिस दिन से जिस दिन से मैं उस घर में प्याई है, है, है। जिस दिन से मैं उस घर में प्याही ना पाई चार पाई, ना पाई चार पाई और ना पाई चार पाई राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई, राधे 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 कहने
है, आनंद सी हो गई है।